Hello everybody, we'll continue with the subject fluid mechanics. We are going to start a new topic today called notches and wears. So far we've discussed all these chapters. In the previous chapters we discussed kinematics of flow and dynamics of flow. So there we studied the concept of discharge. Discharge kya hota hai? The quantity of water flowing per second is called discharge or rate of flow. So jab aap volume per second, जब आप फ्लो की वॉल्यूम पर सेकेंड की बात करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज बोलते हैं, या फिर हम उसको क्या बोल देते हैं? रेट ऑफ फ्लो. हम डिस्चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं. अब डिस्चार्ज तो हमें पता चल गया कि क्या चीज है, बट हमें उसको मेजर करना है. और मेजर कहाँ कहाँ करना पड़ता है? हमें पाइप्स में करना पड़ता है. ओपन चैनल आप मान लीजिए कनाल हो गई या रिवर हो गई, लार्ज टैंक्स हो गए, इन सब जगहों पे हमें क्या मेजर करना होता है? डिस्चार्ज मेजर करना होता है. तो हम कौन से डिवाइसेस से डिस्चार्ज मेजर करते हैं? एक डिवाइस जो हमने पढ़ी है, दैट इज वेंचुरी मीटर. सो वेंचुरी मीटर से अल्टीमेटली हम क्या फाइंड आउट करते थे? हम डिस्चार्ज फाइंड आउट करते थे. ओरिफिस मीटर, ओरिफिस प्लेट, ओरिफिस माउथपीस, ये सब डिवाइसेस हमने स्टडी तो नहीं करी है, बट ये सारी डिवाइसेस भी किसको मेजर करने के लिए होती हैं? डिस्चार्ज मेजर करने के लिए होती हैं. सो आज के लेक्चर से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? नॉचेस एंड वियर्स. दीज आर ऑल्सो डिवाइसेस विच आर यूज टू मेजर डिस्चार्ज. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ नॉच. अ नॉच इज एन ओपनिंग इन द वर्टिकल साइड ऑफ अ टैंक सच दैट द फ्री सर्फेस ऑफ द लिक्विड इन द टैंक इज बिलो द टॉप एज ऑफ द ओपनिंग. अब इसको ध्यान से देखते हैं क्या लिखा गया है. इसमें लिखा गया है कि जो वर्टिकल साइड, अगर आप ये एक टैंक मान ले और इस टैंक की ये वर्टिकल साइड है, इस वर्टिकल साइड में एक ओपनिंग है. जो ओपनिंग कैसी दिखाई दे रही है? वी शेप की दिखाई दे रही है इस पर्टिकुलर केस के लिए. ठीक है, तो ये एक ओपनिंग है जो टैंक के कहाँ पे गिवन है? टैंक के वर्टिकल साइड पे गिवन है. और द फ्री सर्फेस ऑफ द लिक्विड इन द टैंक इज बिलो द टॉप एज ऑफ द ओपनिंग. अगर आप देखें तो टॉप एज कहाँ है ओपनिंग का? यहाँ पे है टॉप एज ओपनिंग का. और फ्री सर्फेस कहाँ है? नीचे है. सो अगर मैं इसको मार्क करूँ, दिस इज माई टॉप एज, ये मेरा टॉप एज है ओपनिंग का, और ये हमारा, ये लेवल जो है हमारा वो है पानी का लेवल, फ्री सरफेस का लेवल. तो अगर आप ध्यान से देखें कि इनके बीच में कुछ गैप है, यहाँ पे हमें कुछ गैप दिखाई दे रहा है. सो यही चीज यहाँ पे ये बोल रहा है, द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द टैंक इज बिलो द टॉप एज ऑफ द ओपनिंग. ओपनिंग के टॉप एज से थोड़ा सा नीचे होता है फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. ठीक है. A notch is used to measure the discharge of a liquid through a small channel or tank. जब आप एक किसी channel मतलब एक छोटी सी canal है, उसमें अगर आपने discharge measure करना है, छोटी canal है small channel, या फिर किसी tank में आपने discharge measure करना है, तो हम क्या use करते हैं? Notch use करते हैं. Notch large scale के लिए preferred नहीं होता है. Large scale पे आप नॉच को नहीं यूज कर सकते. अगर आपकी बहुत बड़ी रिवर है या बहुत बड़ा कोई चैनल है, ओपन चैनल है, तो आप नॉच को नहीं प्रेफर करेंगे. नॉच इज ओनली फॉर स्मॉल स्केल मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज. इसीलिए, क्योंकि स्मॉल स्केल मेजरमेंट है, हम नॉच को किससे बनाते हैं? मेटालिक प्लेट से बनाते हैं, मेटल का बना देते हैं, प्लेट से बना देते हैं, क्योंकि इसका पर्पस किसके लिए है? स्मॉल स्केल डिस्चार्ज मेजर करने के लिए है, या स्मॉल स्केल जो आपके चैनल्स हैं, पाइप्स हैं या टैंक्स हैं, उनके लिए है. सो नेक्स्ट आता है वियर. वियर क्या होता है? अ वियर इज अ कॉन्क्रीट और मेसनरी स्ट्रक्चर. पहले तो मटेरियल डिफरेंट हो गया है, कॉन्क्रीट और मेसनरी स्ट्रक्चर. इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि क्या है? एक डैम है जिसकी हाइट बहुत कम है, अ डैम ऑफ लो हाइट. Built across an open channel, एक open channel के across आप, open channel क्या हो जाएगा? River हो गई, canal हो गई, इस चीज के across आप ये बनाएंगे. Over which water flows, this is very important कि weir जो होता है, weir के ऊपर से पानी बहता है.
क्या कर रहे हैं हम? अगर मैं आपको एक क्रॉस सेक्शन बना के दिखाऊं, तो आपके पास ये कुछ ग्राउंड था, यहाँ पे कोई चैनल फ्लो कर रही थी, ठीक है? पर आपने क्या किया, आपको लगा कि यार ये जो पानी, इस मान लेते हैं कि ये उसका, ये जो रिवर थी या जो भी चैनल थी, ये उसका फ्री वाटर सर्फेस है। आपको लगा कि नहीं, यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन में, इस पर्टिकुलर जोन से पहले, एक्स एक्स जोन से पहले मुझे कुछ पानी स्टोर करना है। सारा पानी तो नहीं स्टोर करना है रिवर का, पर मुझे कुछ पानी स्टोर करना है रिवर का। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एक वियर बना दूंगी। वियर मैंने इस तरीके से कुछ वियर बना दिया। अब वो मेसनरी भी हो सकता है, वो कॉन्क्रीट भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना, कौन सी स्ट्रेंथ का या किस पर्पस के लिए बनाना है, कितनी उसकी लॉन्जिविटी चाहिए, आपको लाइफ कितनी चाहिए। तो आपने किसी भी मटेरियल का यहाँ पे एक वियर बना दिया। अब जब आप वियर बना देंगे, तो उससे क्या होगा, ये अब मैंने जो पानी था यहाँ पे, पहले नदी का लेवल ये था, ओरिजिनल लेवल ये था, यहां से अब क्योंकि वियर आ गया है, तो पहले पानी क्या करेगा, पानी आगे तो जा नहीं सकता। पानी को आगे जाने के लिए पहले तो इस वियर की हाइट तक पानी कलेक्ट करना होगा। तो पानी क्या होता रहेगा, यहाँ पे कलेक्ट होता रहेगा कुछ टाइम तक। जैसे ही पानी इस लेवल तक पहुंच गया, वियर के टॉप तक पहुंच गया, अब जो एक्स्ट्रा पानी जो आ रहा है वो क्या करेगा, वियर से आगे फ्लो कर जाएगा और आगे भी रिवर हो जाएगी या आगे भी चैनल हो जाएगा। क्लियर? तो पानी क्या कर रहा है, पानी वियर के ऊपर से फ्लो करके जा रहा है। पर ऊपर से फ्लो तो कर रहा है, बट एक चीज अगर आप देखें कि यहाँ पे जो इस जोन में पानी है, ये पानी क्या हो गया है, स्टोर हो गया है। ये पानी क्या है, स्टोर्ड है, क्योंकि इस जोन में जो पानी आ रहा है, इस टॉप ऑफ द वियर के नीचे जो पानी यहाँ पे कलेक्ट हुआ है, ये स्टोरेज वाटर है। आप इस वाटर को कभी भी यूज कर सकते हैं। तो ये हम वियर कब बनाते हैं, जब हमें पूरा का पूरा पानी नहीं रोकना है। अगर डैम बनाना होता मुझे, मैं चाहती थी कि कोई भी पानी यहाँ से आगे ना जाए, तो मैंने डैम बना देना था। और डैम की हाइट क्या होती है, ज्यादा होती है। डैम वुड हैव बीन हायर, इस तरीके से। अगर डैम हायर है तो यहाँ से पानी ने ओवरफ्लो नहीं करना था, सारा पानी क्या हो जाना था, ब्लॉक हो जाना था। क्लियर? सारा पानी पीछे कलेक्ट हो जाना था इधर तक। यहाँ पे इस आफ्टर द डैम हमारे पास ज्यादा जगह नहीं होती या ज्यादा वाटर नहीं होना था, यहाँ पे कोई वाटर अवेलेबल नहीं होना था, अंटिल एंड अनलेस मैं उसको स्पिलवे से रिलीज करूँ, ठीक है? तो दिस इज अ डैम। जब आप सारा का सारा पानी क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। पर जब आपने पार्शियली पानी रोकना है और आप नहीं चाहते हैं कि सारा का सारा पानी रुके, कुछ पानी आपको आगे भी भेजना है, तो हम क्या प्रिफर करते हैं, तब हम वियर प्रिफर करते हैं। आई होप आपको क्लियर समझ आ गया होगा स्ट्रक्चर क्या है, क्या पर्पस है उसका। जो ये फिगर है यहाँ पे, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये पोर्शन एलिवेटेड है। ये पोर्शन क्यों एलिवेटेड है, क्योंकि यहाँ पे वियर बन रखा है और कुछ पानी इस जोन में स्टोर्ड है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको स्टोरेज दिखाई है, और जो एक्सेस वाटर है, जो एक्स्ट्रा वाटर है, वो क्या कर रहा है, वियर के ऊपर से ओवरफ्लो कर रहा है। क्लियर? सो ये हम बनाते हैं चैनल्स में, रिवर्स में, जहाँ पे आपको पार्शियली पानी स्टोर करना होता है। कंप्लीट स्टोरेज नहीं चाहिए, पार्शियल स्टोरेज चाहिए, कुछ पानी की स्टोरेज चाहिए। अ वियर इज यूज टू मेजर द डिस्चार्ज ऑफ वाटर इन रिवर्स और कैनाल्स। अब एक और पर्पस क्या हो जाता है वियर का, पार्शियल स्टोरेज के अलावा, ये आपको डिस्चार्ज मेजर करके देगा कि कितना डिस्चार्ज है आपके इस पर्टिकुलर रिवर में। सो ये भी हम किससे मेजर कर सकते हैं, यूजिंग अ वियर मेजर कर सकते हैं। सो कुछ टर्म्स जो हमें नॉच और वियर के केस में पता होनी चाहिए, सबसे पहले है नैपे और वेट। सो जब आप नॉच या वियर की बात कर रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि पानी क्या कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है इस तरीके से, ऊपर एक साइड से दूसरी साइड को जा रहा है, चाहे वो नॉच हो चाहे वो वियर हो। तो ये जो ये शीट ऑफ वाटर, ये जो ये पानी की जो ये बन रहा है शीट,
जिससे पानी एक साइड से दूसरी साइड जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? नेपे. और क्या बोल सकते हैं इसको? वेन. द शीट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ नॉच, नॉच के अंदर से पानी बहता है. जैसे नॉच ये है, इस तरीके की नॉच हमने देखी थी. और पानी कहाँ से बह रहा था? पानी यहाँ से बह रहा था, ठीक है, इस जोन से पानी दूसरी साइड को जा रहा है. तो नॉच के अंदर से पानी बहता है और जो वेयर होती है उसके ऊपर से पानी बहता है. सो दैट इज नोन एज अ नैपे. नेक्स्ट इज क्रेस्ट और सिल. जो ये टॉप पोर्शन है आपके वेयर का या फिर आपके नॉच का, ये वाला पोर्शन ऑफ द नॉच या फिर ये वाला पोर्शन ऑफ द वेयर, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेस्ट. द बॉटम एज ऑफ अ नॉच, नॉच का ये वाला पोर्शन, जैसे मैंने आपको बताया नॉच का ये वाला पोर्शन है, दिस इज नोन एज क्रेस्ट. और जो टॉप एज है नॉच नॉच वियर का, तो वियर का टॉप एज कौन सा हुआ? ये. नॉच का बॉटम एज कौन सा हुआ? ये. सो दिस इज नोन एज अ क्रेस्ट और सिल. ओवर विच द वॉटर ओवरफ्लोज इज नोन एज अ क्रेस्ट और सिल. तो ये इम्पॉर्टेंट दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसकी डेफिनेशंस हमें आनी चाहिए. बाकी कुछ चीजें जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वेयर का क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया गया है कि वेयर का जो जो साइज है उसमें मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए. मिनिमम क्रेस्ट हाइट है 2 to 3 times ऑफ एज. एज क्या है? जो पानी ने ओवरफ्लो करना है उसकी हाइट, ठीक है. तो वो हमने उसको क्या ले लिया है? एज. अब ये 3 to 4 times ऑफ एज होना चाहिए वियर की हाइट. और ये जो डिस्टेंस पे हम मेजरमेंट कर रहे हैं, हेड मेजरमेंट पॉइंट, जहां पे आपने डिस्चार्ज की मेजरमेंट लेनी है, वो पॉइंट वियर से कितनी दूर होना चाहिए? 3 to 4 inch डिस्टेंस पे होना चाहिए मिनिमम. आप मतलब इस पॉइंट के बाद ही पीछे ही डिस्चार्ज की मेजरमेंट लेंगे. इससे आगे इस साइड को आप डिस्चार्ज की मेजरमेंट नहीं लेंगे. क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हाइट जो है पानी की वो कांस्टेंट है. पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम इस टुवर्ड्स द वियर जाते हैं, ये हाइट ऑफ वाटर इज डिक्रीजिंग. दिस हाइट इज डिक्रीजिंग क्योंकि पानी क्या कर रहा है? पानी फ्लो कर रहा है. तो यहाँ पे ड्रॉ डाउन हो रहा है, ये हाइट डिक्रीज कर रही है. क्लियर? तो इसीलिए जब हम डिस्चार्ज मेजर करेंगे तो डिस्चार्ज हम इस पॉइंट के पीछे से ही मेजरमेंट करेंगे, इस साइड को ही मेजरमेंट करेंगे, ठीक. अब है कि यहां से जब पानी बहता है तो आपको कुछ वेंटिलेशन प्रोवाइड करनी होती है. वेंटिलेशन का क्या मतलब है? यहाँ पे कुछ एयर प्रेजेंट होनी चाहिए. तो हम इंश्योर करते हैं कि ये जो नैपे है, नैपे के नीचे हमेशा क्या प्रेजेंट हो? एयर प्रेजेंट हो. वियर और नैपे के बीच में हमेशा क्या प्रेजेंट होना चाहिए? एयर प्रेजेंट होनी चाहिए. ये जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, हम इस वेंटिलेशन के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद यहाँ पे आपने फिर से एक चैनल, जो आपने ओवरफ्लो वाटर कराया है उसका चैनल हो गया है, और वो चैनल आगे मूव कर रही है जिससे नॉर्मली पानी मूव कर रहा था बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर. सो दीज आर द टर्म्स विच वी नीड टू टेक इन टू कंसिडरेशन. नेक्स्ट इज वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉचेज एंड वेयर. अगर आपने देखा होगा कि दोनों ही नॉच में भी और वेयर में भी पानी ओवरफ्लो कर रहा है, पानी इस तरीके से जा रहा है. और सिर्फ हमने अभी तक जो डिफरेंस पढ़ा है उसमें यही पढ़ा है कि वेयर जो है वो एक छोटे वो एक बड़े चैनल के लिए है, और नॉच जो है वो एक छोटे चैनल के लिए है. तो हमें कैसे डिसाइड करना है कि क्या डिफरेंस होगा नॉच में और क्या डिफरेंस होगा वेयर में? सो लेट्स सी. ये मैंने आपके लिए एक रफ स्केच बना दिया है वेयर और नॉच का, ताकि हम समझ सकें कि क्या हो रहा है. वाटर पासिस थ्रू द नॉच. इस नॉच में अगर मैं यहां पे दिखाऊं आपको, तो ये पूरा पानी जो है ये नॉच के अंदर से पास कर रहा है, यहां से पास कर रहा है दूसरी साइड को. बट वियर के कहां से फ्लो कर रहा है? ऊपर से फ्लो कर रहा है. पानी जो है वियर के केस में उसके ऊपर से फ्लो करता है और नॉच के अंदर से फ्लो करता है.
The top edge of the notch is above the nape. मतलब अगर मैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बनाऊ इस पॉइंट पे अगर मैं क्रॉस सेक्शन बनाऊ एक्स एक्स पे आपके नॉच का, तो हमें कैसे दिखाई देगा? एक तो नॉच मेटालिक प्लेट है, तो बिल्कुल पतली सी हमें एक प्लेट दिखाई देगी, जैसे वेयर का कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है वैसे नॉच का क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं होगा। अब यहाँ पे हमें पानी दिखाई देगा इस तरीके से, ठीक है? तो जो पर अगर आप एक और जगह में क्रॉस सेक्शन बनाओ, अगर मैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बना रही हूँ, तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन बनेगा उसमें मुझे कैसा दिखाई देगा पानी? मुझे पानी, ये हमारी वेयर है, वेयर की सॉरी नॉच है, और पानी हमारा यहाँ तक है, इस लेवल तक है, दिस इज द लेवल। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि क्रॉस सेक्शन कौन से पॉइंट पे बन रहा है। यहाँ पे एक्स एक्स पे बन रहा है और यहाँ पे वाई वाई पे बन रहा है क्रॉस सेक्शन, ठीक है? तो इस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे टॉप एज ये है, दिस इज माई टॉप एज, पर वॉटर का लेवल कहाँ है? नीचे है। अगर मैं डॉटेड लाइन से यहाँ पे वॉटर का लेवल बनाऊ, तो दिस इज द लेवल ऑफ वॉटर। नापे का लेवल कहाँ पे है? मैक्सिमम लेवल यहाँ है, और नॉच का टॉप एज कहाँ है? यहाँ है। सो देयर इज अ डिफरेंस, द टॉप एज ऑफ द नॉच इज अबव द नापे, द नापे रिमेन्स वेल अबव द टॉप एज ऑफ द वियर। अब वियर का टॉप एज कहाँ पे है? वियर का टॉप एज तो ये है, और नापे का टॉप एज कहाँ है? नापे का टॉप एज यहाँ है। तो नापे इस केस में, वियर के केस में ऊपर होता है वियर के टॉप एज से, पर नॉच के केस में नापे का जो टॉप एज है दैट इज बिलो द टॉप एज ऑफ द वियर, ठीक है? सॉरी नॉच, इट इज यूजुअली मेड ऑफ अ मेटल प्लेट। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि नॉच किसका बना होता है? मेटल का बना होता है, और वियर किसका बना होता है? मेसनरी या कॉन्क्रीट का बना होता है। अब वियर जो है वो बड़ी चैनल के लिए है, इसलिए उसका जो साइज भी होगा वो भी क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे हमने पीछे फिगर में देखा था कि जो वियर है उसका साइज, उसकी लेंथ क्या है? काफी बड़ी है, पर जो नॉच है उसकी लेंथ काफी छोटी है, ठीक है? तो ये हमें कंसिडरेशन में लेके आना है जब हम डिफरेंसेस देख रहे हैं कि नॉच जो है वो छोटा है और वियर जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा है। अब जो नॉच है इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्चार्ज, क्योंकि साइज छोटा है तो डिस्चार्ज भी वो क्या मेजर करेगा? छोटा डिस्चार्ज मेजर करेगा। छोटे छोटे कनाल्स में या टैंक के अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं, पर वियर जो है वो क्या है? ज्यादा डिस्चार्ज मेजर कर सकता है, इट कैन मेजर ह्यूज डिस्चार्ज, जैसे कि रिवर्स हो गई, बड़ी कनाल्स हो गई, इन सब चीजों में वो डिस्चार्ज मेजर करेगा। द एज ऑफ द नॉच इज शार्प एंड थिन, ये हम देख सकते हैं कि जो इसका एज है वो बहुत शार्प है और थिन है, क्योंकि किसका बना है? मेटल प्लेट का बना है, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं होगा, तो दिस इज अ वेरी शार्प एंड थिन एज। ऑन द अदर हैंड जो वियर है उसका जो क्रेस्ट है वो वाइड है, इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो उसकी विड्थ है कुछ, ठीक है? द क्रेस्ट और सिल ऑफ द वियर इज वाइड, द बेस लेंथ इज स्मॉल, ये जो ये लेंथ है ये क्या है? छोटी है, और वियर के केस में ये जो ये लेंथ है ये क्या है? काफी बड़ी है, इट इज अ वेरी लॉन्ग वियर, और नॉच जो है नॉच काफी छोटा है, ठीक है? सो बेस लेंथ इस बात पे इसलिए कहा जा रहा है कि बेस लेंथ इज स्मॉल एंड बेस लेंथ इज लार्ज। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ नॉचेस। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉचेस यहाँ पे जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, हम डिटेल में हर एक नॉच को पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में समझ आएगा कि क्या बात हो रही है। सो नॉच रेक्टेंगुलर नॉच भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर नॉच का मतलब है इस तरीके से, जो हमने अभी तक जो शेप देखी थी वो हमने वी नॉच की शेप देखी थी, ठीक है? तो यहाँ पे ये नॉच कैसी हो सकती है? नॉच कैन बी रेक्टेंगुलर। अभी तक जो मैं शेप आपको हमने देखी थी वो कुछ इस तरीके से थी, इसको बोला जाता है वी नॉच, वी शेप का जो ओपनिंग है इसलिए इसको क्या बोल दिया? वी नॉच। यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप का ओपनिंग है इसलिए इसको क्या बोल दिया? रेक्टेंगुलर नॉच, ठीक है?
अब इस वी नॉच को ही हम क्या बोल देते हैं, ट्रायंगुलर नॉच भी बोल देते हैं. दिस इज अ रेक्टेंगुलर नॉच, दिस इज अ ट्रायंगुलर नॉच. ट्रायंगुलर नॉच का जो मोर कॉमन नेम है दैट इज अ वी नॉच, क्योंकि वी शेप का है. नेक्स्ट इज आपका ट्रेपेजॉइडल नॉच. ट्रेपेजॉइडल नॉच में क्या होगा, जस्ट जो ओपनिंग होगी वो कैसी होगी, एक ट्रेपीजियम की शेप में होगी, इस तरीके से होगी. सो इसको क्या बोल देंगे हम, ट्रेपेजॉइडल नॉच. तो दिस इज अ ट्रेपेजॉइडल नॉच. नेक्स्ट आता है आपका स्टेप्ड नॉच. स्टेप नॉच कैसा दिखाई देगा, स्टेप नॉच इस तरीके से कुछ होगा. जब आपने स्टेप फॉर्म में अपने नॉच की शेप बना रखी इस तरीके से, तो इसको हम क्या बोल देंगे, स्टेप्ड नॉच. क्लियर? सो दिस इज अ स्टेप्ड नॉच. ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ ओपनिंग. जैसे जैसे हमने इन फिगर्स में देखा कि जो शेप है ओपनिंग की, जो नॉच की शेप है वो वेरी कर रही है, इसलिए हमने इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिया, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, ट्रेपेजॉइडल या फिर स्टेप. वैसे ही अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ द साइड्स ऑफ द नैपे, जो नैपे इनसे बाहर आएगा उनमें जो साइड एजेस होते हैं नॉचेस के, उनसे कुछ इफेक्ट होता है जो हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे. तो अभी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज हो जाएगी इसको डिस्कस करने के लिए, इसलिए जस्ट मैं आपको नाम बता रही हूँ, नॉच विद एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड नॉच विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन और सप्रेस्ड नॉच. तो ये यहाँ पे इन एजेस से क्या फर्क पड़ता है जब नैपे बाहर आता है इनसे, तो वील डिस्कस दिस इन फ्यूचर लेक्चर्स. सो आई होप आपको समझ आया होगा कि वॉट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ नॉच एंड अ वियर. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत हाई चांसेस रहते हैं इनकी डिफरेंसेस आने के. एंड डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियर्स एज वेल एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इन दिस केस, क्योंकि आपको इनके बेसिस पे बहुत सारी आगे चीजें करनी होती हैं. सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड.